भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के 22,68,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और मरने वालों की संख्या 45,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,601 मामले सामने आए हैं, जबकि 871 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के 22,68,675 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 6,39,929 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 15,83,489 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 45,257 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव केसेस की दर 28.21% है। वहीं रिकवरी रेट 69.80% और मृत्यु दर 1.99% है। बहरहाल देश में रिकवरी रेट और मृत्यु दर में कमी आई है, जो कि देश के लिए अच्छी बात है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना वायरस के अब तक 5,24,513 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 1,48,042 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 3,58,421 मरीज ठीक हो गए हैं और 18,050 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,46,134 मामले सामने आ गए हैं, जहां 10,346 एक्टिव केसेस हैं। 1,31,657 मरीज ठीक हो चुके हैं और 4,131 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल 4 दिनों बाद 60,000 से कम आंकड़े सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, जबकि लगातार 12 दिनों से 50,000 से ऊपर आंकड़े सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।